आज जो ऑल पार्टी मीट हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी और आरजेडी को नहीं बुलाया गया है, इसको लेकर आपने विरोध भी जताया है, ट्विटर पर आपने लिखा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 5 सांसद कम से कम होने चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है, क्या है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे राष्ट्रीय संकट के मसले पर वो नेता अरविंद केजरीवाल, जो इस देश के एक लोकप्रिय नेता भी हैं और 3 बार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 1-2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री जी उनको देश के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल नहीं मानते? क्या ऐसे मसले पर उनकी राय लेना नहीं चाहते? हम हर राष्ट्रीय मसले पर, हर राष्ट्रीय संकट में, हर राष्ट्रीय आपदा में मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े रहते हैं, देश के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में मैं बहुत हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल की राय को ना शामिल करके सरकार क्या कहना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। और जो 5 सांसद का क्राइटेरिया आपने बताया वो भी गलत है। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ठीक है, मैं तो मानता हूं कि सारी पार्टियों को शामिल किया जाना चाहिए, उनकी राय शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ये 5 सांसदों वाली बातें किस संविधान में लिखी है? डेमोक्रेसी की कौन सी परिभाषा आप परिभाषित कर रहे हैं? ऐसे समय में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। आप सिर्फ नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेना नहीं चाहते।